ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोरोना की गति अब ग्रामीण इलाकों में तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों से अच्छे हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर काफी दूर होते हैं, जिस कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर तक पहुंचते हुए काफी देर भी हो जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब ये जिम्मेदारी ली है कि लोगों को हॉस्पिटल लाने के बजाय अब हॉस्पिटल की सुविधाओं को ही ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्रामीण इलाकों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में दवाइयों की किट भी देगा। वहीं पर हमारे विशेष संवाददाता लोकेश टंडन ने खास बातचीत की है प्रांत प्रचार प्रमुख सुरेंद्र, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख राजकुमार मिटाले व मेरठ महानगर सर संघ चालक विनोद भारतीय से। मेरठ के माधवकुंज में आइसोलेशन वार्ड बनाने के बाद अब संघ गांव तक जा रहा है और वहां आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारियां कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के शंकर आश्रम में। यहां पर जो दवाइयां हैं वो दवाइयां पैकिंग की जा रही हैं और ये जो तमाम दवाइयां हैं वो ग्रामीण इलाकों में बांटी जाएगी जिन लोगों को कोविड के लक्षण होते हैं। और ये पूरी दवाइयां जो है वो जो पैकिंग की जा रही है, वो जो दवाइयां जो इकट्ठी की गई है, वो सब चिकित्सक के विशेष परामर्श के बाद इकट्ठी की गई है। मेरे साथ तमाम जो अधिकारी है संघ के वो यहाँ मौजूद हैं। जो महानगर संघ चालक जी हैं विनोद भारती जी, वो भी यहाँ पर हैं। प्रांत के प्रचार प्रमुख सुरेंद्र जी, वो भी यहाँ हैं। भाई साहब जी भी यहाँ पर हैं और तमाम जो स्वयं सेवक हैं वो आप देखिए कि यहाँ पर वो स्वयं सेवक इन दवाइयों को पैकिंग कर रहे हैं। ये एक लिफाफा है, इस लिफाफे पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कि सेवा संस्कार समरसता सेवा भारती। तो सेवा भारती की तरफ से पैकिंग की जा रही है। तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इन दवाइयों की पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं और उसके साथ साथ पीपीई किट भी रखी हुई है, मास्क भी रखे हुए हैं और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और तमाम जो सुविधाएँ हैं, चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो जो थर्मामीटर है डिजिटल थर्मामीटर, चाहे वो हो, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है ताकि जो अब आइसोलेशन सेंटर ग्रामीण इलाकों में बनाया जाए वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मरीज को मिल सके और ये दवाइयाँ भी घर घर तक जाकर मरीजों को स्वस्थ कर सके। तो सबसे पहले बातचीत करूँगा मैं प्रांत प्रचार प्रमुख सुरेंद्र जी से। सर, किस तरीके से आपके पास आइडिया आया ये, क्योंकि पहले आपने माधवकुंज में बनाया था और अब हर ग्रामीण इलाके में बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि देखने में आ रहा है कि गाँवों में कुछ केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़े हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा ध्यान में आया कि हमको गांव में कुछ अपना अधिक उधर परिश्रम लगाना होगा, तो वहां के अपने कार्यकर्ता भी सब काम के लिए तैयार हैं। गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता दवाई, वहां जहां भी कहीं ऐसे केस मिल रहे हैं उन तक कार्यकर्ताओं तक दवाई पहुंचे और अन्य प्रकार की सुविधाएं सब पहुँचें। और साथ में ऐसा 4-5 गाँवों को, जो बड़े गांव हैं उनको केंद्र मानते हुए आवश्यकता पड़ने पर ऐसा एक आइसोलेशन केंद्र भी वहां बनाया जाए कि किसी तरह का कोई ऐसा मरीज ध्यान में आ रहा है कि उसको थोड़ा अलग रखने की आवश्यकता है तो आइसोलेशन केंद्र में उनको रखा जाए। होता क्या है कि गांव का व्यक्ति उस शहर में मेडिकल या हॉस्पिटल के नाम पर आना नहीं चाहता और घर में रहता है तो घर में बीमारी बढ़ती है, उसको अलग रखने की आवश्यकता होती है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए कि अगर गांव में ही उसको एक ऐसा आइसोलेशन केंद्र मिलेगा तो उसमें वो जाने को तैयार रहेगा, तो ऐसी सुविधा उनको मिल जाए। तो ऐसे आइसोलेशन केंद्र कल भी 2-3 जगह प्रारंभ हुए हैं, मऊ खास में, बहादुरगढ़ हापुड़ में, तो आज भी इधर मवाना में, गणेशपुर और इधर सरदना में भी प्रयास चल रहा है, वहाँ भी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं ये सब सामग्री जाने वाली है। इसमें जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है, कुछ आपने बताई, उसके अतिरिक्त जैसे भाप लेने की भी आवश्यकता हो तो उसकी भी तैयारी है और साथ में अपने जो कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे तो पीपीई किट हो, चाहे ग्लव्स हो, वो भी हैं। साथ में कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ जो इसमें कारगर हो रही हैं तो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी साथ में हैं। तो ऐसा सब लेकर अभी हमारे मेरे साथ में अपने अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख
राजकुमार मटाले जी भी हैं, वो सब जगह इस तरह कल भी हो गए सब केंद्रों पर, आज भी वो जा रहे हैं, उनका केंद्र चूंकि यहीं मेरठ में है तो वो सब जगह ऐसे केंद्रों पर जाकर ऐसे केंद्रों को प्रारंभ करा रहे हैं, उनको शुरू करा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं सेवा भारती के, उनसे बात कर रहा हूँ, राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आपने ये जो केंद्र शुरू कराया है, भाई साहब ने बताया अभी, तो क्या क्या इनमें दवाइयाँ हैं जो आप मरीजों को दे रहे हैं और किस स्तर पर ये दवाइयाँ दी जा रही हैं? जैसा कि प्रचार प्रमुख जी ने बताया कि जो कोरोना 2 है इसका स्प्रेड ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, तो अब इस समय दो काम, एक तो इसका प्रसार न हो अधिक, इसको रोकने का काम, और दूसरा जो इससे पीड़ित हो रहे हैं वो जल्दी इससे निजात पाएँ, उनको कोरोना बीमारी से मुक्ति मिले, उनको राहत मिले, इसके लिए जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है और असिम्प्टोमेटिक हैं और या थोड़ा प्रारंभिक लक्षण हैं, ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए दवाइयाँ विशेष करके जा रही है, क्योंकि सबके ध्यान में आ ही रहा है, शहरी क्षेत्र में जागरूकता भी अधिक है, वहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता भी है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा जागरूकता का भी अभाव और दवा की उपलब्धता भी कम है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि ग्रामीण क्षेत्र में ये दवाएं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए, ताकि जो पीड़ित हो गए हैं वो तुरंत जल्दी से जल्दी ठीक हो, और साथ में इसका जो सामाजिक प्रसार है, फैलाव है, वो भी रुके, इसके लिए सारा प्रयास चल रहा है। L1 स्तर का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पर भी, लेकिन अगर मैं दवाइयों की बात करूँ तो क्या क्या इस दवाइयों के अंदर है, कौन कौन से साल्ट के अंदर डाले गए हैं? जो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत सरकार या जो डॉक्टरों ने जो एडवाइस किया कि जो सामान्य लक्षण वाले जो मरीज है उनके लिए जो दवा चाहिए वो सारी दवाएँ हैं, इसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा वो भी दिया जा रहा है, और साथ में जो सावधानियां रखने की बातें हैं, सुरक्षा के संबंध में जो भोजन के संबंध में जो बातें ध्यान दिलाई जा रही है, देनी चाहिए कि क्या लेना चाहिए वो भी बताया जा रहा है, रात्रि में हल्दी दूध, साथ में दिन के अंदर तीन चार बार हल्दी और गर्म पानी में हल्दी मिलाकर गरारे करना चाहिए, ये भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। तो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो दवा है सामान्य मरीजों के लिए दी जाती है वो दवा है, और साथ में जो एक अपने स्तर पर उनको करना चाहिए कुछ ऐसी बातें भी उनको, इसकी भी जानकारी दी जाती है और अवेयर किया जा रहा है। बिल्कुल, महानगर संचालक विनोद भारती जी भी साथ हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। सर, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कितने आइसोलेशन वार्ड बनाने का अभी आपने सोचा है, क्या आपका लक्ष्य रहेगा मेरठ महानगर के अंदर, मेरठ जिले के अंदर? ऐसा कि जैसे जैसे कोई भी समस्या आती है उसे संघ पहले से ही भांप लेता है, जैसे शहर में इसका प्रसार हुआ तो ये लगा कि अब ये ग्रामीण अंचलों में भी फैलेगा, तो इसलिए कहते हैं ना पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी, ये संघ के माध्यम से आरंभ हो जाती है, और वो ये सारी की सारी दवाइयाँ ये केवल मात्र एक केंद्र के लिए है, और एक केंद्र के लिए भी ये जो मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर आइवरमेक्टिन है, पैरासिटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, और काढ़ा इत्यादि वगैरह है, ये एक ही व्यक्ति की एक किट हमने तैयार की है, और साथ साथ में बाकी सारी चीज़ के अंदर हैं, तो इसके अंदर जितने भी जिले के केंद्र जिले हैं तो उन जिलों में भी अभी 4 स्थानों पर तो ये आरंभ हो चुके हैं, और बाकी कई स्थानों पर इसे आरंभ होने की जैसे जैसे जहाँ जहाँ पता लग रहा है कि इसका प्रसार बढ़ता दिखाई दे रहा है हम ये केंद्र अपना खोलते चले जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो जो आइसोलेशन वार्ड आप बनाएंगे तो क्या उसमें चिकित्सक के साथ साथ आपके जो कार्यकर्ता हैं यानी कि स्वयंसेवक जो हैं वो भी वहाँ मौजूद रह के उन लोगों की सेवा करेंगे? निश्चित निश्चित, हमारे स्वयंसेवक तो पहले ही लगता है, और यही नहीं पूरे देश भर में हमारे स्वयंसेवक इसके अंदर लगे हुए हैं, सेवा भारती के साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग ये निस्वार्थ भाव से दिन रात एक किए हुए हैं, ये नहीं देखते कि कैसा है क्या है, सिर्फ ये कि कैसे एक हम सेवा करके मानव मात्र को हम बचा सकें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो बिल्कुल, सुना आपने जिस तरह ये कोरोना लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा है, तो
तो उसी को देखते हुए अब संघ ने गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने शुरू कर दिया और घर घर तक ये दवाइयां वितरण करनी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोग जब तक शहर में आते हैं, मेडिकल सेंटर में आते हैं या शहर के हॉस्पिटल्स में आते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए वही सब सोचते हुए अब संघ ने ये एक नई पहल की है। मेरठ से अपनी सागर के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।